But it's too late now, I remember. Hey guys, welcome back to my channel. So, आज का जो वीडियो है guys, वो हमारा day 8 of our 15 days, 15 days program होने वाला है. And let me tell you this guys, कि हम अपना program already आधा complete कर चुके हैं successfully. लेकिन picture अभी बाकी. So guys, इस वीक का प्रोग्राम जो होगा वो थोड़ा पहले वाले वीक से ज्यादा इंटेंस होगा एंड उसमें हम और वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस डालेंगे. सो गाइस चलिए देखते हैं क्या होगा हमारे आज का वर्कआउट. सो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग द वीडियो. सो वेलकम बैक गाइस. आज का जो वीडियो है गाइस वो हमारा बेस्ड होगा HIIT पे, जिसे हम कहते हैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग. सो गाइस बेसिकली ये वर्कआउट में आप कम समय के लिए वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइजेस करते हैं, बट आपका टारगेट रहता है कि आप उसमें ज्यादा एनर्जी एक्सर्ट करें. सो गाइस इसका फायदा ये होता है कि इससे आपकी बॉडी बहुत जल्दी टोन होती है एंड कम समय में आपका एक इंटेंस वर्कआउट हो जाता है. तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के दिन के साथ. आज ब्रेकफास्ट में गाइस मैंने बनाया है ओट मील, जिसमें एज अ फ्रूट मैंने बनाना ऐड किया है. अगर आपके पास बनाना नहीं है गाइस तो आप कोई और फ्रूट डाल सकते हैं एंड अपना ओट मील बना सकते हैं. लंच में गाइस आज मैं ले रहा हूं भिंडी, पनीर, सैलेड, कर्ड एंड चपाती. सो गाइस अगर आप देखेंगे तो इस डाइट में मैंने इंश्योर किया है कि मेरे को विटामिन एंड मिनरल्स, हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन एंड सम सॉर्ट ऑफ फैट्स सब मिल जाए. तो गाइस इससे क्या होगा, मेरा न्यूट्रिशन बेटर होगा बिकॉज एक बैलेंस डाइट में ले पाऊंगा. सो गाइस प्री वर्कआउट में आज मैं ले रहा हूँ ब्लैक कॉफी, बिकॉज आज का हमारा जो वर्कआउट है गाइस वो इंटेंस होने वाला है एंड मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से चार्ज होके जाऊं. हाई नीज, तो गाइज बेसिकली हाई नीज आपकी वार्म अप एक्सरसाइज का काम करेगी एंड इसमें जो आपके जॉइंट्स एंड मसल्स इन्वॉल्व्ड हैं उनका वार्म अप हो जाएगा. इसका फायदा यह है गाइज ये आपकी एजिलिटी पे काम करेगा एंड आपके स्टैमिना पे काम करेगा. स्क्वाट थ्रस्ट, तो गाइज अगेन ये एक्सरसाइज बेसिकली आपके बर्पीज का ही पार्ट है एंड गाइज मैं इस एक्सरसाइज को यहाँ पे इसलिए डालना इंपॉर्टेंट समझता हूँ बिकॉज काफी लोग हैं जिनसे अभी भी बर्पीज नहीं हो पाते. बट अगर आपको लगता है गाइज कि आप बर्पीज कर पाते हैं, अच्छे से कर पाते हैं, तो आप बर्पीज के लिए जरूर जाइए. ऑल्सो गाइज आपको नहीं भूलना चाहिए कि स्क्वाट थ्रस्ट एंड बर्पीज एक्सरसाइज में आपका 50% ज्यादा फैट बर्न होता है देन एनी अदर कन्वेंशनल वर्कआउट. सो गाइज डू ट्राई. टकअप्स, तो गाइज ये एक्सरसाइज एक नई एक्सरसाइज है जो मैं आज ऐड करने जा रहा हूं. इस एक्सरसाइज का गाइज फायदा ये है कि ये आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ाता है एंड एट द सेम टाइम आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बैलेंस ये भी बढ़ाता है. इस एक्सरसाइज का फायदा गाइज ये भी है कि क्योंकि इसमें आपकी बैक की मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं टू सम एक्सटेंट, तो इससे आपका जो बैक पेन का इश्यू रहता है वो भी ग्रेजुअली कम हो जाता है. It's too late now, I remember everything. And how crunches. तो गाइज ये तो हम सब जानते ही हैं कि क्रंचेस से हमारी एब्स की स्ट्रेंथ बढ़ती है, बट गाइज जो चीज हम नहीं जानते वो ये है कि ये आपकी लोअर बैक पे भी काम करता है. गाइज ये क्या करता है, आपकी स्पाइन इरेक्टर मसल्स जो होती है उस पे काम करता है. बेसिकली ये वो मसल्स होती हैं आपकी बॉडी की जो आपको आपकी बैक एंड आपकी बॉडी अपराइट होल्ड करने में हेल्प करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी. सो गाइस क्रंचेस का फायदा एक ये है कि ये आपकी बैक की मसल्स पे तो काम करता ही है इंक्लूडिंग योर मिड सेक्शन, बट ऑल्सो गाइज नॉट टू फॉरगेट ये आपकी कैलोरीज भली ज्यादा बर्न ना कराए बट ये आपके मसल मास पे काम करता है जिससे आपकी मसल्स जो होती हैं वो और स्ट्रांग हो जाती है. लाइंग हिल टचेस, सो गाइज लाइंग हिल टचेस एक्सरसाइज आपके साइड बेली फैट पे फोकस करता है जिनको हम लव हैंडल्स भी कहते हैं. गाइज इसका फायदा ये है कि ये आपकी बॉडी को स्पेशली आपकी बेली को एक प्रॉपर
फैट कट करने में हेल्प करता है बिकॉज ये आपके ऑब्लिक्स पे काम करता है एंड इससे जो होता है आपको एक डिजायरेबल शेप मिलती है, एक डिजायरेबल फिजिक मिलती है जो आप चाहते हैं. पोस्ट वर्कआउट में गाइज आज मैंने फिर से लिया है 2 tablespoons ऑफ प्रोटीन एक्स अलॉन्ग विद अ ग्लास ऑफ मिल्क. ऑल्सो गाइज आपको इंश्योर करना है कि आप 30 मिनट्स के विद इन अपने वर्कआउट के बाद ये पोस्ट वर्कआउट मील अपनी डाइट में. डिनर में गाइज मैं ले रहा हूँ पनीर, दाल, राइस, शिमला मिर्च, आलू, सैलेड एंड चटनी फ्लेवर के लिए. सो गाइज इसके साथ मेरा न्यूट्रिशन कम्प्लीट हो जाएगा आज के दिन का एंड अगेन मैंने 90-100 grams ऑफ प्रोटीन इनटेक आज अपना रखा. सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. ऑल्सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन से और टॉपिक्स पे वीडियो जानना चाहेंगे ताकि मैं आपको उनके बारे में और अच्छे से बता सकूँ. सो टिल देन गाइज सी यू नेक्स्ट टाइम.